हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले ये बता दूँ कि ये रीडिंग डेली मॉर्निंग में आती है और इस रीडिंग में राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी, लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की। और जो भी सिंगल हैं जिनका कोई पार्टनर अभी फ़िलहाल नहीं है वो सिर्फ राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। सो देखते हैं आप दोनों की आज की एनर्जीज। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। ये है गाइस आपकी एनर्जी और ये आपके पर्सन की। आपकी तरफ फर्स्ट कार्ड वी हैव जजमेंट, फाइव ऑफ वांड्स, एट ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वांड्स। ओवरऑल एनर्जी वी हैव एम्प्रेस। तो गाइज आज का दिन आपका फायर एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वैसे तो अर्थ भी है, वाटर भी है, एयर भी है, लेकिन फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बॉटम ऑफ द डेक से भी वी हैव फायर, फायर अगेन। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज का दिन कुछ अनमैरिड लोगों की जो मदर्स हैं उनको बड़ी चिंता रहेगी शादी के बारे में। जैसे शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें रुकी हुई थी, फटाफट आगे बढ़ें और शादी की बात आगे बढ़े। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी की बातचीत हो सकती है कि आज से शुरू हो जाए आपके शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें, घर में डिस्कशंस होने लगें। और कुछ मैरिड फीमेल्स, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि आज के दिन में आपका आपके स्पाउस के साथ किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत छोटी सी बात पर होगा और बहुत बड़ा बन जाएगा। आपको ऐसा लगेगा यार ऐसा क्या कह दिया मैंने जो इतना लस्तंगा लग गया, इतना बवाल हो गया, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। तो हो सकता है कि आपकी गलती हो सकता है आपकी गलती ना हो, बट राई का पहाड़ बन जाना और कुछ ऐसा दिल से निकल जाना जो कि आपको शॉक कर दे, आपको ऐसा लगे कि यार इनके मन में इतना बुरा है मेरे लिए। मतलब आपकी इन लॉज भी हो सकती हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ या आपके स्पाउस के साथ किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्योंकि ओवरऑल एनर्जी वी हैव एम्प्रेस एंड वी हैव फाइव ऑफ वांड्स एंड वी हैव जजमेंट, तो गलत तरीके से आपको जज किया जाए या आप किसी को गलत तरीके से जज करें, दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन, वेरी कर सकती है ये सिचुएशन। इसके अलावा ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो आज के दिन अपनी लाइफ का कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपके मन में ये इच्छा है कि मुझे अब डिसीजन लेना है, या तो आप अपने पर्सन को डायरेक्टली कॉल करके या मुलाकात करके कुछ क्लैरिटी लेना चाहते हैं, या तो आप डायरेक्टली अपने मन से पूछकर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर कुछ निर्णायक फैसले लेंगे। स्पेशली कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ बट मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, या तो करियर में या लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में, और आप अब एक निर्णायक फैसला लेने की वाइब्स में हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कर लिया, अब मेरी करने की हिम्मत ख़त्म हो चुकी है, अब मुझे क्लैरिटी चाहिए लाइफ में, अब मैं किसी के लिए कुछ नहीं करने वाला या नहीं करने वाली। ये एक जो एरोगेंट सा थोड़ा एटीट्यूड है ये आज के दिन आप में आएगा, क्योंकि यहाँ से किंग ऑफ वांड्स हैं और बॉटम ऑफ द डेक से एम्प्रेस हैं, तो जजमेंट में एक ईगो इन्वॉल्व रहेगा। और ये क्यों है? क्योंकि
सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण की वीडियो कल मैंने ऑलरेडी पोस्ट की हुई है, एनर्जी रीडिंग। अभी इफ़ेक्ट्स हम कल देखेंगे, आज नहीं देखेंगे, आज हम अमावस्या की रीडिंग करेंगे। तो ईगो काफ़ी लोगों का क्लैश करेगा। देखिए फायर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और ग्रहण का इफ़ेक्ट किस तरीके का आपकी एनर्जी में थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, अग्रेशन, गुस्सा, ज़िद और ईगो। ये तीन चार चीज़ से अगर आपने बचा लिया अपने रिलेशनशिप को या खुद को, तो ये सूर्य ग्रहण किसी भी तरीके से आपको अफेक्ट नहीं करेगा। अदरवाइज़ इट विल अफेक्ट योर एनर्जी इन अ नेगेटिव वे, साथ ही साथ आपका हेल्थ भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, स्पेशली रिलेटेड विद स्टमक। पेट ज़्यादातर लोगों का ख़राब हो सकता है, बोन्स में एक्सेस पेन हो सकता है, जिसको है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ये वाइब्स है। इसके अलावा कुछ लोग आज के दिन किसी सिद्ध पीठ पे जा सकते हैं दर्शन इत्यादि करने, बिकॉज यहाँ पर वाइब्स है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या बिना किसी इच्छा के, बट आप आज कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए या अपने आप को बैलेंस करने के लिए आप किसी सिद्ध पीठ पर जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा हेक्टिक है, वैसे तो आज गस्टेड हॉलीडे है, ऑफ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कुछ ऑफ नहीं है, उनको पूरा काम काज करना है और आप इरिटेट हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी नसीब में कभी छुट्टी है या नहीं, ये वाली सिचुएशन है, गुस्सा गुस्सा के काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को किसी तरह का झगड़ा लड़ाई, जैसे मैंने कहा, इससे बचना है, बाकी सब कंट्रोल में हो जाएगा अगर आपने वो तीन चीज़ क्लियर कर ली तो। आपके पर्सन की तरफ पहला कार्ड क्वीन ऑफ कप्स, सेकंड वी हैव सिक्स ऑफ वांड्स, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ व्हील्स, द लवर्स, स्ट्रेंथ। ओवरऑल एनर्जी वी हैव टू ऑफ व्हील्स। तो गाइज आज का दिन आप में से कुछ लोगों के पर्सन अपने भाग्य को क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। लोग कहते हैं कि भाग्य तो भगवान ने बनाया है, उसे कोई बदल नहीं सकता। आप अपनी मेहनत से, अपने बल से भाग्य में भी चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। आपके भाग्य में अगर लिखा है किसी ऐसे परिवार में जन्म लेना जो बहुत टॉक्सिक है या बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली पुअर है, तो भी आप अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, अपनी स्मार्टनेस से अपने भाग्य को बदलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके पार्टनर इस टाइम पे किसी ऐसे पर्सन के साथ हो सकते हैं या किसी ऐसे सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ पर ये बिल्कुल हैप्पी नहीं है। ये बैलेंस क्रिएट करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं कि शायद इनकी सिचुएशन में चेंजेस आ जाएं, शायद इनकी सिचुएशन में बैलेंस क्रिएट हो जाए, बट वो हो नहीं पा रहा। और क्योंकि वो नहीं हो पा रहा, ये उस सिचुएशन को ही चेंज कर देना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि उस सिचुएशन में चेंज आए, और ये चेंज ये खुद लेकर आना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद टू ऑफ पेंटिकल्स, ये इस टाइम पे अपनी डेस्टिनी से रिलेटेड कुछ बड़े डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, और ये डिसीजन में पावर की भी ज़रूरत है जो यहाँ पर नज़र आ रही है, और पावर के साथ साथ लवर्स की भी ज़रूरत है, मींस आपका सपोर्ट। तो वी हैव लवर्स विद स्ट्रेंथ। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन कुछ बड़े निर्णायक फैसले इस रिलेशनशिप के लिए लेने वाले हैं, जो कि यूनियन से रिलेटेड नहीं, परमानेंट यूनियन से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, बिकॉज वी हैव एस ऑफ व्हील्स विद सिक्स ऑफ वांड्स। तो कुछ ऐसे कमिटमेंट जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करेंगे। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे रिलेटेड, इस रिलेशन से रिलेटेड बातचीत अपने परिवार में कर सकते हैं। आपके पार्टनर की फैमिली में जो भी थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिसमें कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा हार्श होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत दिल से सॉफ्ट होते हैं, जैसे माँ हो गई, बहन हो गई। कई बार ये लोग भी बहुत हार्ड होते हैं, पापा बहुत शांत होते हैं।
तो ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर के मन में ये है कि जो सॉफ्ट हार्टेड है उसको टारगेट किया जाए, उसको पकड़ा जाए और उसको मनाया जाए इमोशनल लेवल पे कि मैं बहुत प्यार करती हूँ या मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, किसी न किसी से तो शादी करनी है तो अपनी पसंद से क्यों नहीं कर सकते, रोग आके जैसे भी इमोशनल होकर थोड़ा, लेकिन आपके पार्टनर अपने परिवार में से किसी एक सदस्य को पटाएंगे और उसके बाद सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही आज के दिन ये जो भी काम शुरू करेंगे उसमें भी सक्सेस नज़र आ रही है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, बातचीत नहीं हो रही आपके आपके पार्टनर से, तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनकी बातचीत भी शुरू होने वाली है। आपके पर्सन सडनली आपको कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, कोई मैसेज कर सकते हैं, कोई पॉजिटिव साइन आपको आपके पर्सन की तरफ से मिल सकती है। बहुत सारे ऐसे कपल्स जो डिवाइन कनेक्शन में हैं, जैसे आप सोल मेट से डील कर रहे हैं या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, तो अगर नो कांटेक्ट में हैं तो इस टाइम पे आपको यूनियन के साइंस बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे और साथ ही साथ मतलब बहुत पॉजिटिव ड्रीम्स आपको आएंगे। और उसके बाद स्पेशली अगर अपने पर्सन को आप सपने में देखते हैं और बहुत प्यारी एनर्जी में देखते हैं, रोमांटिक एनर्जी में देखते हैं, तो समझ जाइएगा कि टेलीपैथिकली वो कनेक्ट हो चुके हैं और बहुत जल्दी यूनियन की वाइब्स आपके साथ रेजोनेट करेंगी। सो आज की एनर्जी आपके पर्सन की तो बहुत ही अच्छी है। कुछ लोगों के पर्सन थोड़ा इमोशनली अपसेट हैं, बट ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी में पावर है, ईगो है, स्टेबिलिटी के लिए लड़ने की एनर्जी है और सक्सेस की तरफ बढ़ने की वाइब्स है। तो हो सकता है कि ये न्यू मून और सूर्य ग्रहण दोनों का इफेक्ट बहुत पॉजिटिव हो, बाकी हम और आगे देखेंगे, बट एनर्जी पॉजिटिव है। सो मिलते हैं इसके बाद एस्ट्रो विद एम सिंह में कुछ मैसेजेस के साथ और फिर आएंगे इस चैनल पे करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।